मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी को अभी और इंतजार करना होगा। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। ऐसा कांग्रेस सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि के न पहुंचने की वजह से हुआ। अब मामले पर बुधवार को 10:30 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि वो दूसरे पक्ष की भी बात सुनना चाहते हैं। अब कोर्ट ने सभी पक्षकारों, मुख्यमंत्री और स्पीकर को भी नोटिस जारी किया है। सबको कल अपना पक्ष रखना है। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग हुई थी। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। बीजेपी ने उम्मीद जताई थी कि कर्नाटक की कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। तो मध्य प्रदेश में जो फ्लोर टेस्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई कल तक के लिए टल चुकी है। आज केस की सुनवाई हुई, ना कांग्रेस पार्टी, ना चीफ मिनिस्टर, ना स्टेट ऑफ एमपी मौजूद था। उन सबको मालूम है कि ये केस लगा है, बट वो जान के गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अर्जेंसी देखते हुए कल सुबह 10:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इनकी तामील कर दीजिए और 10:30 बजे सुबह इसकी बहस। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के राजनीति की तपिश जो है वो अब कल 10:30 बजे उसकी सुनवाई की जाएगी। बात करते हैं सर, क्या कुछ माजरा था पूरे कोर्ट के अंदर की बात? देखिए, आइटम 6 कोर्ट नंबर 3 में लिस्ट था और बीजेपी की तरफ से उनके लॉयर्स अपीयर हुए कोर्ट में। जैसा कि आपको बताया कि जो भी केसेस लिस्ट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ऑनरेबल जजेस के पास पहले से होती है, तो बिना किसी हियरिंग के सिर्फ अपीयरेंस पे ही नोटिस इशू कर दिया गया है और कांग्रेस सरकार को जब ये नोटिस मिलेगा तो अपना जवाब कोर्ट में देंगे। अब आगे की बात यह है कि कल सुबह 10:30 बजे फिर से हियरिंग होगी, तो जो मेन रिस्पॉन्स कांग्रेस सरकार क्या फाइल करती है ये कल देखने को मिलेगा हमें। सर, लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस की तरफ से कल ही ये याचिका जो है दायर कर दी गई थी, कल ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्या कारण है? जबकि कांग्रेस याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, याचिका सिर्फ फाइल हुई थी। फाइल करने में और एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जब तक नोटिस नहीं होता तब तक दूसरी पार्टी को अपियर होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तक उनको नोटिस पहुंचा नहीं है। कल जो है लॉयर्स हैं कांग्रेस के वो अपियर होंगे। कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है? उमंग सिंगार यही है, जीतू पटवारी यही है, विवेक तनखा जी यही है। जी देखिए, बचने की कोशिश नहीं है। बीजेपी की कोई भी पिटीशन फाइल करते रहेंगे तो कांग्रेस के लीडर्स के पास बहुत और इम्पोर्टेंट काम है, उनमें ध्यान देना है। ये गैर जरूरी काम था आज का, तो इसमें नहीं आए और जब नोटिस इशू आया है हमको कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कल हम जरूर अपील करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के अधिवक्ता जिन्होंने कांग्रेस का जो है कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने बात रखी है और बड़ा सवाल है कि इनका कहना है कि जब तक कोई नोटिस नहीं दी जाती है कांग्रेस को बहुत काम है कांग्रेस सरकार के पास और इसलिए जो है कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। जबकि बता दें आपको कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जो है इस वक्त जो है दिल्ली में मौजूद और साथ ही साथ विवेक तनखा की बात करते हैं वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अनामिका अंबर, जनता टीवी दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।